आज 8 अगस्त 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 8 अगस्त 2023 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली विशेष है क्योंकि 24 जून 1965 को हमारी परम आदरणीय मातेश्वरी जगदम्बा शरीर ने अपना साकार देह त्याग किया था। और उसके दूसरे दिन मन उस दिन तो सभी ने योग किया रात भर जागकर, और दूसरे दिन बाबा के महावाक्य है। तो आप समझ सकते हैं, ये बात अगर ध्यान में रखेंगे तो मुरली को समझना इजी हो जाएगा। बहुत सारे राज बाबा ने इसमें खोले हैं। उस समय बाबा के बच्चों को इतना समझ में नहीं आया, लेकिन आज ये सब राज पीछे वालों को समझ में आ रहे हैं। वैसे तो लौकिक में इवन जो साधक होते हैं, साधना करने वाले, उन सबको पता है और हम सबको पता है। इसको हिंदू शास्त्र में यक्ष प्रश्न कहा गया है। जिन्होंने भी शास्त्र पढ़े हैं वो यक्ष प्रश्न को जानते हैं कि पांडव सभी मूर्छित हो गए, मर गए थे, केवल युधिष्ठिर बाकी था। तो वो एक एक करके पांडवों को भेजता था कि पानी लेने को जाए। तो जहाँ वो पानी लेने जाते हैं वहाँ एक यक्ष होता है। तो वो यक्ष कहता है, पानी तो लेने को मिलेगा आपको, लेकिन आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो कोई भी जवाब दे नहीं पाते हैं। तो जो जवाब नहीं दे पाते हैं वो मर जाते हैं। तो एक एक करके सभी पांडव जाते हैं। लास्ट में फिर युधिष्ठिर आता है और वो इस यक्ष यक्ष ये राक्षसों के निकट की प्रवृत्ति है। वो राक्षसों जैसे नहीं होते हैं, लेकिन ये जो रक्षा करते थे उनको यक्ष कहा जाता था। और जो राक्षस होते थे वो विघ्न उत्पन्न करते थे। यक्ष एक प्रकार की जादुई शक्ति वाले होते हैं। तो ये यक्ष युधिष्ठिर को भी प्रश्न कहता है कि मेरे सवाल का जवाब दो। तो युधिष्ठिर उसके सभी प्रश्नों के संतोषजनक जवाब देता है। तो सभी पांडव फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो इसको शास्त्रों में यक्ष प्रश्न कहा गया है। तो यक्ष युधिष्ठिर को प्रश्न पूछता है कि सबसे बड़े आश्चर्य की बात कौन सी है मनुष्य के बारे में। और युधिष्ठिर का यही उत्तर होता है जो आज की मुरली है। युधिष्ठिर कहता है कि सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हर एक को पता है वो मरने वाला है, लेकिन फिर भी ऐसे जीता है जैसे कभी मरने वाला नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आध्यात्मिकता में इसको बहुत बहुत पक्का कराया जाता है। सभी साधकों को पक्का कराया जाता है कि जब तक ये शरीर है तब तक आप 20 नाखून लगा के पुरुषार्थ करो, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है।
जेन में तो एक कहानी बताई हुई है, बहुत मोटिवेशनल है इसलिए सुना रहा हूँ, कि जेन ये जापानीज मेडिटेशन है, ध्यान, ये जो ध्यान शब्द का अपभ्रंश जेन है, ध्यान से चान और चान से जेन, ऐसे ये यात्रा करते हुए गया है शब्द, माना भारत से चीन और चीन से जापान की तरफ ये शब्द जेन हो गया। तो जेन मेडिटेशन इसमें दो प्रकार होते हैं, सिटिंग एंड मोबाइल जेन। तो उसमें जेन मास्टर जो होते हैं, जिसको हमारे इधर गुरु कहते हैं, तो उनकी प्रथा है कि प्रश्न का जवाब तभी मिलेगा जब आप गुरु के प्रति 3 प्रदक्षिणा डालेंगे। अब ये प्रदक्षिणा भी बहुत इंटरेस्टिंग है, हिंदू धर्म में भी प्रदक्षिणा का महत्व है। प्रदक्षिणा माना चारों तरफ फेरे लगाना, मंदिर के लोग फेरे लगाते हैं। हिंदू शास्त्रों में श्री गणेश ने भी शंकर और पार्वती को चक्कर लगाया था, ये भी कहानी है। तो यहाँ पर प्रथा ऐसे थी कि मास्टर को 3 फेरे लगाने के बाद ही सवाल का जवाब मिलेगा। तो मास्टर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन तुम पहले जो हमारी विधि है उसको पूर्ण करो। तो वो स्टूडेंट होता है, वो बहुत होशियार होता है कि मैं तो तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे गारंटी देते हो कि मैं जब तुम्हारी 3 प्रदक्षिणा लगाऊंगा तब मेरा शरीर नहीं छूटेगा, तब मैं प्रदक्षिणा लगाने को तैयार हूँ। तो कई बार चेला होता है गुरु से भी आगे जाता है, गुरु उसके भाव को समझ लेता है और उसके सवाल का जवाब देता है। तो यहाँ पर कहने का भाव ये है कि मम्मा ने ऐसा तीव्र पुरुषार्थ किया जो स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में हर एक आत्मा चाहती है। जो मम्मा का महावाक्य है, जो अमर हो गया पूरे यज्ञ में, ब्रह्मा कुमारी में अमर हो गया, और वो महावाक्य जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं उनके लिए एक प्रकार का टॉनिक बन गया, और वो है हर घड़ी अंतिम घड़ी है। किसी भी क्षण आपका अंतिम समय आ सकता है। बाबा ने तो आज के मुरली में इशारे के ऊपर इशारा दिया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाबा ने आज की मुरली में जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है इत्तेफाक। अभी इत्तेफाक इसका मतलब होता है, जिसको संस्कृत में कहते हैं योगा योग या कोइंसिडेंस। जैसे मैं लौकिक में आपको बताता हूँ, हमारे लौकिक घर का अनुभव सुनाता हूँ। हमारे वरिष्ठ भ्राता, बहुत मेहनत करने वाले और लोगों को मदद करने वाली आत्मा, इनका एक शॉप था मुंबई में मुलुंड के पास, मुलुंड कल के एक रेलवे स्टेशन है उसके पास। अभी उन्होंने क्या देखा, एक छोटा बच्चा रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहा है, लेकिन उसको डर लग रहा है, वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। हमारे लौकिक भ्राता श्री बाजू में खड़े थे, उन्होंने देखा कि इसको क्रॉस करने में मेहनत हो रही है। तो इन्होंने क्या किया, उसको क्रॉस करने के लिए उसको पकड़ के दूसरी ओर लेके गए। माना 4 रेलवे ट्रैक होता है, मुंबई सबअर्बन रेलवे ट्रैक के 4 रेलवे होते हैं, 2 स्लो होते हैं, 2 फास्ट होते हैं। तो उन्होंने चौथे ट्रैक से उस तरफ छोड़ा और वापस आते समय ड्रामा प्लान अनुसार फास्ट ट्रेन ने उनको उड़ा दिया और ऑन द स्पॉट उनका शरीर छूट गया। तो अभी भारत में ये मान्यता है कि जिस आत्मा का जहां पर शरीर छोड़ने का पार्ट होगा, वहां पर उसको कैसे भी जाना ही है, वो आत्मा बराबर उस स्थान पर पहुंच जाती है और वहां पे उसका शरीर छूटना होता है। ऐसे भारतीय शास्त्रों में लिखा हुआ है, माना मृत्यु के ऊपर बहुत सुंदर वर्णन है। आज का टाइम कम पड़ेगा इसलिए मैं ज्यादा इन बातों में नहीं जा रहा हूँ। ये बात हमने पहले से पढ़ी थी जब मुझे फोन आया, क्योंकि रेलवे एक्सीडेंट होने के बाद रेलवे वाले उस बॉडी को उठाते हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं ट्रेन के नीचे बॉडी आने पर क्या हालत होती होगी। तो उसके जो भी टुकड़े हैं लेकर वो रेलवे स्टेशन पर आए थे, और फिर उसके जेब में कार्ड वगैरह मिला, फोन किया। तो मेरे लौकिक और दूसरे बड़े भाई ने फोन किया, तो मैं जब देखा सीन पर,
तो सभी रो रहे थे और मेरे अंदर एक ही थॉट था, नथिंग न्यू, ये ड्रामा रिपीट हो गया। तो ये सबसे बड़ा पेपर होता है, लौकिक अलौकिक सभी के लिए। मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट का जब सेशन लेता हूँ तो उसमें मैं एक स्केल बताता हूँ, होम्स राहे स्केल। आप में से जो पढ़े लिखे हैं वो इसको चेक कर सकते हैं, गूगल में ये अवेलेबल है। होम्स और राहे, ये दो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्केल माना, एक पट्टी बनाया मेजरमेंट कि कौन से परिस्थिति में लोगों को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है। तो उन्होंने देखा कि जब घर वाले की नज़दीक के प्रिय व्यक्ति की मौत होती है, ये सबसे बड़ा टेंशन का कारण होता है। जेल जाना भी टेंशन का कारण होता है, डाइवोर्स होता है वगैरह वगैरह। तो इन्होंने क्या किया, हर परिस्थिति को मार्क्स दिए। सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले आपके नियरेस्ट व्यक्ति की मृत्यु होना, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वहाँ होता है, तो उसको 100 मार्क्स दिए। ऐसे वो मार्क्स देते गए, जेल में जाने को 63 मार्क्स दिए। तो उन्होंने एक स्केल बनाया जिसमें उन्होंने लिखा कि किसी का स्कोर अगर 300 के ऊपर है, माना उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आई है, तो उसको बीमारी आएगी। फिर 150 से 300 मध्यम चांसेस है, और 150 के नीचे परिस्थितियाँ है, स्कोर है, तो आपको बीमारी आने के चांसेस ना के बराबर है। लेकिन उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इस होम्स राहे स्केल में देखी कि ऐसे कई लोग थे जिनके जीवन में स्कोर जो था 400 के ऊपर था, माने कई गुना परिस्थितियां उनके जीवन में आई, लेकिन फिर भी उनको कोई बीमारी नहीं हुई। और तब उन्होंने टेस्ट किया कि ये लोग क्या करते हैं, तो देखा गया कि इनकी प्रतिकार क्षमता बहुत अच्छी थी, प्रतिरोधक क्षमता या परिस्थिति को हैंडल करने की शक्ति इनके अंदर बहुत बढ़िया थी। तो यही बात आज की मुरली में आई है। आज की मुरली हम दो शब्दों में रैप अप कर सकते हैं, वो शब्द है, पहले भी सुने हैं, फकूर और फिक्र। ये बहुत सुंदर शब्द है, फकूर, फकूर माना नशा और फिक्र माना चिंता। तो बाबा ने कहा, बाबा के बच्चे हमेशा फकूर में रहना चाहिए, फिक्र में नहीं। इस समय दुनिया में फिक्र ही फिक्र है, लेकिन बाबा के बच्चे हमेशा फकूर में रहना चाहिए। बाबा ने ऐसे ऐसे शब्द दिए हैं, जिन बच्चों ने इन शब्दों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया, वो इमीडिएटली फुल स्टॉप लगाएंगे। एक शब्द तो मैंने आपको बता दिया, नथिंग न्यू। दूसरा शब्द जो मौत के साथ बाबा ने कहा हुआ है कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, ये बाबा ने इतना पक्का किया हुआ है कि किसी का भी शरीर छूटे, हमारे ऊपर उसका सेक नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार से। मुझे एक आत्मा ने प्रश्न पूछा था, मैं टाइम देख रहा था कि कब उस प्रश्न को लो, आज ये राइट टाइम है। उस आत्मा ने बहुत अच्छा प्रश्न, हालांकि ये प्रश्न और लोगों ने भी पूछा हुआ है। उनका प्रश्न ये था कि हमको बाबा की श्रीमत है कि केवल बाप को और वर्षे को याद करना है, ठीक है। तो फिर अभी सभी जगह पर जो भी वरिष्ठ भाई बहने हैं, दादा या दादिया है, वो चले जाते हैं, तो उनके यादगार में कितने बड़े बड़े स्थान बनाए जाते हैं, उनका फोटो लगाया जाता है और क्या क्या किया जाता है। तो क्या ये ज्ञान के हिसाब से है, ये प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं। मैंने पहले भी इनडायरेक्टली इसका इशारा दिया था, सगुण साकार और निर्गुण निराकार, ये दो शब्द हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, आप इसको कुछ नहीं कर सकते। हर एक आत्मा अपने बुद्धि के अनुसार सत्य को महसूस करती है। निराकार की याद में रहना, निराकार से डायरेक्ट कनेक्ट होना, हर एक के बस की बात नहीं है। हर एक को कोई ना कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है, मीडियम लगता है। शिव बाबा को बिंदु रूप में याद करना हर एक के बस की बात नहीं है। इसी आधार पर भारत में दो पंथ बने, क्षैव पंथ,
और एक वैष्णव पंथ, और शैव और वैष्णव में मैंने देखा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। शैव शिव को मानने वाले और वैष्णव विष्णु को मानने वाले, ये यहाँ से ही जाते हैं, क्योंकि हम कल्पवृक्ष की जड़ में बैठे हैं। तो हम जो करेंगे उसका यादगार द्वापर से चला आता है, द्वापर युग से। तो क्या करते हैं, तो निराकार को याद करना चाहिए, इनकॉर्पोरियल को याद करना चाहिए। लेकिन कुछ आत्माओं को लगता है कि ये सब महान आत्माएं हैं, इनको भी याद करना चाहिए। तब उनका भाव ये होता है कि इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम उनको याद नहीं करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन आप सोचो कि केवल ब्रह्मा बाप शरीर छोड़ने के बाद शांति स्तंभ बना, क्योंकि ब्रह्मा पिता है, लेकिन मम्मा का कोई स्तंभ नहीं बना है, मम्मा का कोई यादगार स्थान नहीं है। हाँ, मधुबन में नहीं है, लेकिन हमने पूना में देखा, दादी जानकी का थॉट था, तो जगदम्बा भवन पूना में बना हुआ है। लेकिन वहाँ पर भी मम्मा का कोई ऐसा मूर्ति वगैरह नहीं रखा हुआ है जिसको याद किया जाता है, या मम्मा के फोटो को। कई सेंटर पर मम्मा के फोटो है, मम्मा की विशेषता को याद किया जाता है, ये सब ठीक है। लेकिन बाबा के भाव को हमको समझना चाहिए। मुझे तो वंडर लगता है, दादियों ने अनुभव सुनाया था, मुझे याद आ रहा है, वर्थ कनेक्टिंग हियर। हमारी एक दादी जो ज्ञान सरोवर में थी, पंजाब में भी उन्होंने सेवा दिया, और यज्ञ की हिस्ट्री बहुत सुनाती थी अच्छी तरह से। तो वो दादी ने अनुभव में सुनाया कि जब मम्मा ने शरीर छूटा छोड़ा, तो हम सबका तो मम्मा से बहुत स्नेह था, तो बहुत लोगों को शॉक लगा था मम्मा का शरीर छूटा तो, क्योंकि मम्मा योग में नंबर वन थी, ज्ञान में नंबर वन थी। और भावना होती है लोगों की कि बाबा कुछ तो करेगा, बाबा संभालेगा। तो जब मम्मा का शरीर छूटा, तो मम्मा के अंतिम समय के सभी फोटो थे, वो फोटो देख रहे थे, और दादी ने सुनाया कि दादी वो फोटो नोटिस बोर्ड पर लगा रही थी। बाबा को पता चला तो बाबा ने दादी को बुला लिया और कहा कि अगर तुमने ये फोटो नोटिस बोर्ड पर लगाए और किसी के आंख से आंसू भी आया, तो तुम्हारे ऊपर बोझा चढ़ जाएगा। आप सोचो बाबा की अवस्था क्या होगा। यही बात आज बाबा ने मुरली में कही हुई है। किनकी अवस्था अच्छी है उसकी निशान का रहेगी। बाबा ने जवाब में कहा, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा, मुरझाएंगे नहीं, गम व अफसोस नहीं होगा, हर सीन को साक्षी होकर देखेंगे, कभी भी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे, किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे। अभी इस शब्द को अंडरलाइन करना, ये शब्द, क्योंकि वो भाई ने जो प्रश्न पूछा आत्मा ने, वो यही है कि किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे, ये भगवान कह रहा है, उन्हीं की अवस्था अच्छी रहेगी। देखो, दादियों की महानता है, मम्मा की महानता है, बाबा की महानता है, और जो भी वरिष्ठ आत्माएं जिन्होंने शरीर छोड़े, वो साधारण नहीं है। हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी विशेषताओं को याद करते हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस, अंडरलाइन यही है कि किसी के नाम रूप को याद नहीं करना है, फिर वो कोई भी हो। एक बाबा की याद में सदा हर्षित रहेंगे। तो चेक करना चाहिए क्या मैं, एक बात हमने 2 दिन पहले भी देखी कि किसी भी देहदारी से प्रभावित नहीं होना है। किसी के नाम रूप को याद करना माना उस देहदारी से प्रभावित होना, चाहे उसके गुणों से या चाहे उसकी विशेषता से। मैं यहाँ और कनेक्ट करना चाहूँगा, बड़ी दादी, हमारी बड़ी दादी को एक बार पूछा कि दादी बनने वाला श्रेष्ठ होता है या बनाने वाला। अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दादी ने कहा कि कमाल बनाने वाले की ही है, इसलिए बनाने वाले को ही याद करना चाहिए। तो बाबा ने इन सबको बनाया हुआ है, और
मम्मा तो इतना प्यार दिया सभी को, तो हम समझ सकते हैं जिससे प्यार मिलता है उसकी याद आती है। लेकिन बाबा ने अभी देखो बच्चों को कैसे समझाया कि क्रिएशन और क्रिएटर दो बातें हैं, और वर्षा क्रिएशन से मिल नहीं सकता। अंडरलाइन करेंगे दूसरी बात को, क्यों किसी के नाम रूप को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान वाच है कि वर्षा किसी भी क्रिएशन से मिल नहीं सकता। मम्मा भी क्रिएशन है तो बाकी को क्या आप कहेंगे। इसलिए बाकियों से क्या करना है, हमको विशेषता लेनी है, विशेषता जरूर लेनी चाहिए। मैं जब भी समय मिले दादियों की मम्मा की विशेषता, हमारे दादाओं की विशेषता जरूर सुनाता हूँ, क्योंकि उन्होंने विशेष काम किया हुआ है। जगदीश भाई है, हमारे वरिष्ठ जितने भी भाऊ है, विश्व किशोर है, हम उनकी विशेषताओं को याद करते हैं, मनमोहिनी दीदी है, तो विशेषता से प्रेरणा जरूर लेनी है। जैसे दादी का जो सिंबल था शांतिवन में, आप देखेंगे कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर दादी के फोटो के साथ लिखा हुआ है कि सदा सम्मान में रह के सबको सम्मान देना। ये बहुत अच्छी बात है, ये हमको सीखना है, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकल में करके दिखाया है। लेकिन याद शिव बाबा को ही करना है, बातें भी शिव बाबा से ही करनी है, वाया ब्रह्मा। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी ऐसा विघ्न आता है तो संशय नहीं पड़ना। आज बाबा को कहना पड़ा कि संशय की कोई बात नहीं, क्योंकि कई लोगों को संशय आया कि बाबा ने मम्मा को बचाया कि नहीं, ये कैसे हो गया, मम्मा की उम्र तो कम थी। तो ये संशय नहीं आना चाहिए। बाबा ने इसीलिए आज की मुरली में संशय शब्द को भी यूज किया जाता है। बाबा ने आज स्पष्ट कहा कि जिसको भी जाना है वो चला जाए, समझना है कि कोई भी जाता है तो उसे जा करके और कहाँ पार्ट बजाना है। कोई ना कोई कल्याण के कारण ये सब कुछ होता है, क्योंकि बाप कल्याणकारी है और संगम युग ब्राह्मणों का है ही कल्याणकारी, इसलिए हर बात में कल्याण है। अभी देखो बाबा ने आर्मी का एग्जाम्पल दिया है, आर्मी में जनरल भी मर जाता है तो आर्मी हिलती नहीं है। हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति चला गया, तो आज ये मम्मा के उपलक्ष्य में वाक्य निकला हुआ है। मम्मा पावरफुल थी, लेकिन अगर चली जाती है उसमें भी कल्याण है। सब कुछ ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है। बाबा ने स्पष्ट कहा, अवस्था उनकी अच्छी है जिन्हें कभी भी आंसू ना आए। बाबा ने देखो उस समय कैसे समझाया होगा, कभी कोई ऐसे न समझे कि मम्मा का शरीर छूट गया, अब क्या होगा, हमें कौन संभालेगा। बाबा ने कहा आंसू आए तो नापास हो जाएंगे। बाबा को रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कोई भी है, माताएं बहने या भाई है, कोई भी रोता है बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं कि विधवाएं रोती है, और बाबा तो कभी मर नहीं सकता है, पतियों का पति है। तो मम्मा गई है तो अवस्था अनुसार छोड़े तो उनका कल्याण है, बहुत अच्छे घर में जाकर जन्म लेंगे और छोटे छोटे बच्चे सबको खुश कर देते, उनकी महिमा है। तो अंडरलाइन तीसरा वाक्य, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा नोंद हो रहा है, ऐसे समझ करके सदा हर्षित रहना चाहिए। बाबा ने बार बार आज की मुरली में कहा है, किसी के भी नाम रूप में हम लोगों को फंसना नहीं है, पता है ये शरीर है, इसको जाना ही है। क्या हम रोएंगे तो उनका पार्ट बदल सकता है, क्योंकि रात भर बच्चों ने योग किया था। तो हमारे इधर एक भाई थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मम्मा का शरीर हलचल, क्योंकि सभी आत्माएं आह्वान कर रहे थे मम्मा की, फिर से आओ करके। तब बाबा ने मैसेज दिया, शरीर तो अंदर से खराब हो चुका है, आत्मा कुछ नहीं कर सकती। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को बिल्कुल अशरीरी शांत और फिर हर्षित मुख रहना है, अटल और अखंड राज्य लेना है तो बनना भी ऐसे ही है। और बाबा ने इशारा क्या दिया था, जो पकड़ने वाले पकड़े,
बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि तुम्हारे में से कोई नहीं मरने हैं, ये बात बाबा ने 65 में कही थी जब सभी दादियां थी। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि तुम्हारे में से कोई मरना नहीं, अब ये इशारा था, लेकिन उस वक्त किसी को समझ में नहीं आ रहा कि बाबा, आज हमको समझ में आ रहा है कि बाबा ने जो कहा था प्रैक्टिकल हुआ है। मम्मा गई, बाबा गई, सभी दादियां गई है, एक ही दादी बची हुई है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि तुम्हारे में से कोई नहीं मरने हैं, कोई भी मर सकते हैं, कोई भी इत्तेफाक हो सकता है। हमारा ज्ञान ही ऐसा है कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ। अभी हलवा खाओ मतलब ज्ञान रत्न देना, उसको कहते हैं हलवा खाओ। अभी उसके बाद बाबा ने बहुत सीक्रेट रास बताया। समझो बाबा कहता है यह बाबा भी चला जाए, माना ब्रह्मा बाप भी चला जाए। देखो ये इशारा बाबा ने 65 में दिया था, जबकि बच्चों को फुल निश्चय था कि बाबा लास्ट तक साथ में रहने वाला है, लेकिन बाबा ने इस मुरली में इशारा दिया था। समझो बाबा कहता है कि यह बाबा भी चला जाए तो भी तुम बच्चों को नॉलेज तो मिली हुई है कि हमको शिव बाबा से वर्षा लेना है, इनसे तो नहीं लेने का है। तो देखो बाबा कहाँ से बुद्धि निकाल रहा है, मम्मा से तो निकाल दिया, बाबा से भी, ब्रह्मा बाप से भी बुद्धि को निकाल रहा है। बाप कहते हैं ये सब बच्चे जो है मेरे से वर्षा लेकर के दूसरों को रास्ता बताते हैं, तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, बाप का परिचय देना है, हर एक के ऊपर मेहर करना है। और हमको यही पुरुषार्थ करना है कि बेचारे दुखी है, सबको सुख का रास्ता बताए। इस दुनिया में सिवाय एक बाप के और कोई भी सुख का रास्ता बताने वाले नहीं है। मम्मा के समार हमको सर्विसेबल बनकर नंबर 1 जाना है, संशय बिल्कुल नहीं करना है, चाहे बीमारी आए कुछ भी हो। बाबा ने कहा ये तुम्हारा कर्म भोग है, बाबा ने स्पष्ट कहा। तीसरा राज, अगर कोई बात ड्रामा में पहले से बताने की नहीं है तो मैं कैसे बताऊं, क्योंकि कई लोगों ने पूछा कि बाबा पहले क्यों नहीं बताया मम्मा जाने वाला है। बाबा ने कहा पहले है ही नहीं बताने का तो मैं कैसे बताऊं। एक मुरली में तो कहा था अगले क्षण हार्ट अटैक आने वाला है या अर्थक्वेक आने वाले, तो भी बाबा नहीं बताएगा। यह बाबा साक्षी होकर के देखते हैं, इसलिए फकुर में रहना है कि हम ईश्वरीय संतान है, हमारा कल्याण हो नहीं सकता। आज धारणा की और एक बात है, बाबा ने कहा कोई का माँ बाप मरता है तो बच्चा पढ़ाई चली छोड़ देगा, तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अंत में विजय हमारी ही होनी है। धारणा में कौन सी बात बाबा ने बताई, सर्विस की वृद्धि होती रहेगी, लेकिन हमारी एक्टिविटी दैवी चाहिए, कोई भी आसुरी गुण नहीं होना चाहिए, लड़ना झगड़ना कड़वा बोलना, कुछ लोगों के अंदर ये संस्कार होता है टॉन्टिंग का, कड़वा बोलना या अंदर में कुछ लोभ लालच क्रोध आदि अगर है तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए कोई को भी दुख नहीं देना है, अंडरलाइन है ये। बाबा ने यहाँ तक कहा माताओं को, अगर कोई छोटा बच्चा चंचलता करता है तो भी चमाट नहीं मारनी है, उन्हें भी प्यार से चलाना है, घर में बड़े युक्ति से चलना है, क्योंकि सामने बाबा के बहुत अच्छे रहते, घर पे जाते हैं तो माया हैरान करती है। बाबा ने स्पष्ट कहा, देखो पांचवा राज, तूफान जोर से आते रहेंगे, दिन प्रतिदिन तूफान और विघ्न पड़ते रहेंगे, तुम्हें घबराना नहीं है। बाप कहते इस रुद्र यज्ञ में अथाह विघ्न पड़ेंगे, क्योंकि नई नॉलेज है, लेकिन हमको घबराना नहीं है, एक बाप एक बल एक भरोसे में रहना है। अच्छा फिर बाबा ने विशेष आज वरदान में कहा कि राजी रहो, और बाबा को राजी करना है तो सच्ची दिल, तीन शब्दों के ऊपर चिंतन करें। हम बार बार देख रहे हैं सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल। तो सच्ची दिल से जो बाबा को राजी करते हैं, उन्हें स्वयं के और संगठन के संस्कार से राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान मिल जाता है। स्वयं को जानना, औरों के संस्कारों को और परिस्थिति को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। जो बाबा को सच्चा सच्चा पोता मिल देते अपनी अवस्था का, बाबा से रू रियान करते हैं, वो सदा समीपता का अनुभव करते, उनका पूरा खाता पिछला समाप्त हो जाता है।
और वो सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले सदा मौज में रहते हैं। तो आज पूरे दिन में अंडरलाइन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू, ड्रामा कल्याणकारी है। मैंने बाप को अपना जीवन दिया है तो मेरा अकल्याण हो नहीं सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी बात में रोना नहीं है, मुरझाना नहीं है, गम अफसोस नहीं करना है। चाहे कर्म भोग किसी भी रूप में आए, क्यों क्या का प्रश्न नहीं है। किसी के नाम रूप में याद नहीं करना है, एक बाप की याद में रहे, हर्षित मुख रहना है, सच्ची दिल से साहब को राजी करना है। अच्छा, ओम शांति।